खंडवा बुरहानपुर लोकसभा उपचुनाव को लेकर सीएम शिवराज लगातार दौरे कर जनता से बीजेपी को वोट देने की अपील कर रहे हैं। इसी कड़ी में प्रचार की कमान संभाले सीएम दो दिवसीय बुरहानपुर दौरे पर हैं, जहां वो बहादुरपुर गांव गए और पीएम आवास हितग्राही के घर भोजन कर रात्रि विश्राम किया। मराठी बाहुल्य गाँव में ग्रामीणों ने सीएम को पारंपरिक टोपी भी पहनाई। वहीं सुबह सुबह हितग्राही के घर सीएम अलग अंदाज में भी नजर आए। ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं जब सीएम एक अलग अंदाज में नजर आए, शायद आप एक नजर में पहचान न पाए। और सीएम शेविंग कर रहे हैं, टी शर्ट में, ब्लू टी शर्ट में जो नजर आ रहे हैं वो सीएम शिवराज सिंह चौहान हैं। और सीएम शिवराज ने हितग्राही के घर शेविंग की, ग्रामीणों के साथ बातचीत की, चाय पी और यहीं वो रात्रि में विश्राम उन्होंने किया था और खाना भी खाया था। दो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं जब सीएम शिवराज सिंह चौहान जो है एक निराले अंदाज में नजर आए, जब एक हितग्राही के घर पहुंचकर उन्होंने रात्रि विश्राम किया, खाना खाया। और आप देख सकते हैं सुबह सवेरे सीएम जो है चाय पी रहे हैं, शेविंग कर रहे हैं, एकदम आम इंसान की तरह नजर आ रहे हैं सीएम शिवराज सिंह चौहान। इस वक्त हम मौजूद है बुरहानपुर के ग्राम बहादुरपुर में। इस वक्त मौजूद है हम मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, जो कि गवई परिवार में ठहरे हैं और प्रधानमंत्री आवास योजना का जो मकान है गवई जी का, उनके परिवार में ठहरे थे। अब बात करते हैं, सुबह का वक्त है और जिस तरह से सुबह की दिनचर्या के बाद आप जनता से मिल रहे हैं, कैसा अनुभव कर रहे हैं? क्या नहीं, बहुत आनंद का अनुभव हो रहा है। लोकतंत्र में पता नहीं क्यों ऐसा हो जाता है कि मुख्यमंत्री महलों वाला हो जाता है, आसपास सुरक्षा के घेरे हो जाते हैं, जनता मिल नहीं पाती है। ये धारणी वस्तुतः गलत है। मुख्यमंत्री जनता के लिए होता है, उसे सहजता से जनता के बीच जाना चाहिए, रुकना भी चाहिए। आप नहीं रुकोगे तो दूर से हाथ हिलाओ निकल जाओ, आपको वास्तविकता पता थोड़ी चलेगी। जिस तरह से रात बिताई आपने और यहाँ पर जिस तरह भोजन किया, बड़ा ही आनंदमय भोजन, किस तरह से उसका स्वाद लिया आप? नहीं, मेरी बहनों ने, श्रीमती गवई जी ने, बहुओं ने, मुझे तो ये लग रहा है कि मेरे कारण उन्हें कष्ट उठाया और इतना अच्छा भोजन बनाया, विशेषकर बाजरे की रोटी, ठेसा, बैगन का भरता, कढ़ी, तो पापड़ भी दो तरह के पापड़ थे, गेहूं के भी और रागी के थे कि नागली के पापड़। अब पहले उनको लग रहा था कि ठेसा ये खाएंगे कि नहीं, लेकिन मैंने बाजरे की रोटी और ठेसा खूब खाया, बहुत अच्छा लगा। निश्चित तौर पर जिस तरह से बाजरे की रोटी और ठेसा, जो कि बुरहानपुर का एक विशेष जायका है, और इस जायके का मज़ा लेने के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यहां पहुंचे थे और गवई परिवार में उन्होंने जिस तरह से यहां एक प्रधानमंत्री आवास में रहकर अपनी रात बिताई और उसके बाद आज लोगों से, जनता से यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं, यह वाकई में एक देखने वाली बात है। कैमरा पर्सन दीपक के साथ। तो आप बिल्कुल देख सकते हैं कि सीएम शिवराज एकदम आम नागरिक की तरह नजर आ रहे हैं और अब ये बहुत ही विरले ही देखने को मिलता है कि कोई मुख्यमंत्री किसी एक ऐसे व्यक्ति के घर पर जाके रुके जो कि एक हितग्राही है, एक आम व्यक्ति है और एक मामूली सा जीवन बिताता है, और इस मामूली से जीवन में एक खास जो है हिस्सा बनकर पहुंच गए सीएम शिवराज सिंह चौहान और हितग्राही के घर भोजन भी किया, सुबह चाय पर चर्चा की और बिल्कुल शेविंग करते हुए नजर आए हैं सीएम शिवराज सिंह चौहान। प्रथम दृष्टया तो हम पहचान ही नहीं पाए कि सीएम साहब खाट पर बैठे हैं। ब्लू टी शर्ट में सीएम शिवराज सिंह चौहान एक निराले अंदाज में बुरहानपुर में नजर आए।